जय हिंद दोस्तों, अनिल सराय टीचर आपसे बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन आर्मी के 508 आर्मी बेस प्रयागराज की तरफ से आईटीआई डिप्लोमा ग्रेजुएट बीए बीएससी बीकॉम बीबीए और बीसीए कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप निकल के आ चुकी है दोस्तों, जिसका फॉर्म 20 अप्रैल 2023 तक भरा जाएगा। जिसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं, कौन कौन से कैंडिडेट है जो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है, साथ ही फॉर्म को कैसे भरें पूरी जानकारी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरी जानकारी आप अनंत सराय के वेबसाइट पे करियर ऑप्शन पे जाइएगा तो वहां पर भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। करियर ऑप्शन पे जाइएगा, लेटेस्ट अप्रेंटिसशिप में 508 आर्मी बेस प्रयागराज अप्रेंटिसशिप पे क्लिक करके ओपन करिएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों पूरी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए आए तो कई सारी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, सीपेट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, बीएसएफ है और भी कई सारी वैकेंसी आपको चैनल पे चेकआउट कर लिए जा करके। तो हम बात कर लेते हैं ये जो 508 आर्मी बेस वर्कशॉप है उसकी अप्रेंटिसशिप के बारे में। ये जो अप्रेंटिसशिप निकला हुआ है, पेपर कटिंग आप देख पा रहे हैं, 508 आर्मी बेस वर्कशॉप छिवकी प्रयागराज का है। 11 अप्रैल 2023 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था और प्रशिक्षु प्रशिक्षण हेतु आवेदन की सूचना है अप्रेंटिसशिप के लिए है। आईटीआई के जो एनसीवीटी है और जो एनसीवीटी से पास आउट है और डिप्लोमा ग्रेजुएट अथवा बीए है, बीएससी है या बीबीए है, बीसीए है, वो भी इसके क्या में है और बीकॉम वाले भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का अप्रेंटिसशिप करने के लिए आवेदन जारी किया गया है, जिसमें आईटी पास आउट, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रिकल वाइंडर, मैकेनिक, रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक, प्लम्बर और मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट मैकेनिक कम ऑपरेटर एवं कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये जो इतने सारे ट्रेड हमने बताया ये सभी ट्रेड से अगर आपने आईटीआई किया हुआ है, एक बार रिपीट कर देते हैं, मोटर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिशियन, फिटर, इलेक्ट्रिकल वाइंडर, मैकेनिक आरएससी, प्लम्बर, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट, मैकेनिक कम ऑपरेटर एंड कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ये जो है पास्ता कोपा ये सभी जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर पाए, ठीक है। और इसमें जो आप आईटी वाले हैं वो अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। 12 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक फॉर्म भरा जा रहा है। डिप्लोमा ग्रेजुएट अथवा बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बी और बीसीएच वाले जो है एमएचआरडी का जो नाट्स पोर्टल है उस पर जाकर के फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है। और देखिए आवेदन करने के बाद अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, मोबाइल नंबर सहित ये जो पता है इस पते पर आपको भेज देना है। समादेश एवं प्रबंधक निर्देश 508 आर्मी बेस वर्कशॉप छिवकी प्रयागराज 2121-05 इस एड्रेस पर आपको भेज देना है, ठीक है। ऑनलाइन पहुंचने तथा ऑफलाइन भरने की अंतिम तिथि, ये देखिए आवेदन पहुंचने और ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो आवेदन तिथि है वो 20 अप्रैल रखा गया है। तो देखिए हमने काफी प्रयास किया कि आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया फॉर्म भर पाए, लेकिन अप्रेंटिसशिप इंडिया की वेबसाइट पर जब जा रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट में और यहाँ पे इंटर कर रहे हैं 508 आर्मी बेस, तो यहाँ पर इसका लिंक जो अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है, नो अपॉर्चुनिटी फाउंड दिखाई दे रहा है। कोई भी हम यहाँ पे फिलअप कर ले, कोई भी इतना सारा है तो कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं हो पा रही, मतलब कुछ भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, तो ऑनलाइन तो अप्लाई नहीं हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि काफी दिन हो गया हम ट्राई कर रहे थे कई दिनों से लेकिन नहीं हो पा रहा था, तो आज हम सोचे आपको बता दें कि ऑफलाइन ही फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। तो ऑफलाइन जो फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा, तो ऑफलाइन आपको सिंपली करना क्या है, अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर लेनी है और प्रोफाइल का प्रिंटआउट कर लेना है। प्रोफाइल का प्रिंट आउट करने के बाद इसके साथ अपना एक बायो डाटा अटैच कर दीजिएगा। बायो डाटा जब अटैच करिएगा तो बायो डाटा के बाद देखिए आपको बायो डाटा यानी कि रिज्यूम आपको इसके साथ अटैच कर देना है। अप्रेंटिसशिप का प्रोफाइल जो है उसका प्रिंट आउट और जो अगर आप मैट्रिक हैं, 12th है, डिप्लोमा है, आईटीआई है, ग्रेजुएट है, जो है वो सभी का मार्कशीट सर्टिफिकेट एक साथ अटैच करिएगा। और बायो डाटा पर आपका मोबाइल नंबर और पूरी जानकारी तो रहेगी ही, मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर जो अप्रेंटिसशिप इंडिया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बायोडाटा पे जरूर फिलअप करिएगा। और ये अप्रेंटिसशिप इंडिया पे रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद आपके सभी डॉक्यूमेंट जो है एक लिफाफे में करके जो एड्रेस हमने बताया हुआ है, समादेशक एवं प्रबंधक निदेशक 508 आर्मी बेस वर्कशॉप छिवकी प्रयागराज 2121-05 पे वहाँ पे पहुँचा दीजिए, ठीक है। स्पीड पोस्ट कर दीजिए तो 2 दिन के अंदर भी आपका वहाँ पे
पहुंच जाएगा। तो जल्द से जल्द आप भैया इसको भेज दीजिए, ठीक है, और इसका ऑनलाइन फॉर्म ट्राई करते रहिए, कोशिश करिए। इसका एस्टेब्लिशमेंट नंबर हमें आपको प्रोवाइड कर देंगे, इसका एस्टेब्लिशमेंट नंबर मेरे पास है, हम उसको दे, लेकिन उससे भी ये ओपन नहीं हो पा रहा हमने काफ़ी ट्राई करने के बाद, कि नहीं तो हम आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना बता देते हैं। ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा पा रहा है, सिर्फ और सिर्फ आप ऑफलाइन भर दीजिएगा तो भी आपका हो जाएगा, किसी तरह चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एज मिनिमम एज आपका 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 24 साल एज आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसको फिलअप कर दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो अगली में, इस चैनल सब्सक्राइब करके सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अभी देखिए जो हमने एक वीडियो बनाया था आर्मी बेस्ड का, जिसका एग्जाम चल रहा है दोस्तों, 510 आर्मी बेस्ड का एडमिट कार्ड भी जारी हो चुका है, अभी जो है 508 का फॉर्म भरना शुरू है। मिलते हैं अगले वीडियो अगले में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।